गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बंसावली जो मेथड है उसमें परागित फसलों में उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो मेथड्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के स्वयं परागित में अलग होते हैं और पर परागित में अलग होते हैं। तो स्वयं परागित में आपको तीन बताए थे, जिसमें से फर्स्ट कौन सी थी, बंसावली। बंसावली को हमने डिस्कस किया था। अब इस बंसावली जो मेथड है इसके गुण और दोष कौन कौन से हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, तो यहाँ पर हम इसके गुण और दोषों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गुण, क्योंकि अवगुण को देखने से पहले किसी का गुण देखा जाए। तो यहाँ पर इसके क्या गुण होते हैं, इससे अगले हम मेथड पढ़ेंगे वल्क मेथड, प्रपुंज विधि। तो ये विधि जो वल्क मेथड है, उस वल्क मेथड से यहां पर टाइम क्या लगता है, वर्क मेथड से छोटी है, मेथड से छोटी है, मतलब उससे यहां पर समय कम लग रहा है, उससे यहां पर समय कम लगता है। दूसरा, जो हम एक चयनित पादप को लेकर के चलते हैं, एक चयन पादप, क्योंकि यहां हम बहुत सारे पादपों को लेकर के चले हैं, यहां पर एक चयनित पादप के भी हम अगली पीढ़ियों के बारे में हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि एक चयनित पादपों के लिए अच्छी विधि है, अच्छी विधि है। और अच्छी विधि क्यों है, क्योंकि यहां पर रिकॉर्ड प्रेजेंट है, रिकॉर्ड उपस्थित है। हम हजार की संख्या में जनक प्लांट्स को लेके चले हैं, क्योंकि यहां हमने जिन अच्छे पादपों को सेलेक्ट किया है उनका हमने यहां पर लिखित में हिसाब रखा है। एक चयन से मतलब क्या है, एक चयन पादप। अगर हमको पांचवी पीढ़ी में, सातवीं पीढ़ी में, आठवीं पीढ़ी में किसी प्लांट की स्टडी करनी है, एक प्लांट की स्टडी करनी है, इसका पॉलिनेशन सेल्फ है तो दूसरे का तो यह मैटर ही नहीं है, तो एक प्लांट की अगर हमको स्टडी करनी है तो वो स्टडी हम कर सकते हैं। इसलिए कैसी है, अच्छी विधि है, प्रत्येक प्लांट की यहां पर अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, यहां जो ऐसी प्लांट हैं जिनके गुणों को बाहर से देखकर सरलता से पहचाना जा सकता है, गुणों को सरलता से पहचाना जा सकता है, जिन पादपों के गुणों को, पूरा ही लेते हैं, सरलता से पहचाना जा सकता है, उन पादपों के लिए ये बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छी विधि है। क्यों, क्योंकि सरल, जिनके हमने गुणों को देख करके पहचान लिया, सरलता से जिनको पहचान लिया, उनमें हम सुधार कर सकते हैं, उन पादपों के गुणों में सुधार कर सकते हैं, पादपों के गुणों में सुधार कर सकते हैं। ये तो रहे इसके गुण। अब अवगुण क्या है, यहां अवगुण क्या है, सबसे पहले तो जिस इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इस रिकॉर्ड को रखने में कठिनाई होती है, रखने में कठिनाई, क्योंकि जरूरी नहीं है एक बॉटनिस्ट की मैथ अच्छी हो, पादप वैज्ञानिक की मैथ अच्छी हो, ये आवश्यक नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहां इन रिकॉर्ड्स को, जो हजारों की संख्या में है, उसके लिए रखना यहां बहुत टिपिकल होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि इन रिकॉर्ड्स को रखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जो यहाँ पर रिकॉर्ड उपस्थित हैं। दूसरा, जो यहाँ अगर हम छोटे लेवल पर रख रहे, चल लेके चल रहे हैं तब तो ठीक है, अगर ये प्रजनन जो प्रोग्राम है, यहाँ पर प्लांट्स की जो ब्रीडिंग करा रहे हैं, अगर ये प्रजनन कार्यक्रम बड़े लेवल पर करें, लाखों में प्लांटों को लेकर करें, बड़े स्तर पर करें,
तो यहाँ चयनित करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगली पीढ़ी में हम बोल रहे हैं ना कि 7वीं 8वीं पीढ़ी में बता सकते हैं, तो वहां उनके रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इतने बड़े स्तर पर करें तो यहाँ कठिनाई होती है, तो यहाँ रिकॉर्ड रखने में कठिनाई होती है। रखने में कठिनाई होती है, इसलिए इसको छोटे लेवल पर ही लेकर के किया जा सकता है। ज्यादा बड़े लेवल पर लेकर के इसका कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। और एंड लास्ट पॉइंट, यहां जो सफलता है वो सफलता निर्भर करती है जो पादप प्रजनन वैज्ञानिक है उसके ज्ञान पर। सफलता निर्भर पादप प्रजनन वैज्ञानिक की ज्ञान पर निर्भर करती है। कि सफलता उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहां ज्ञान पर कैसे निर्भर कर रही है। इन रिकॉर्ड्स को रखना, एक प्लांट को लेके देख रहे हैं हमने बहुत आगे ले जा करके 8वीं 10वीं पीढ़ी में देखा कि उस प्लांट में कितनी शुद्धता आई। तो वहां उस वैज्ञानिक के लिए जिसका ज्ञान कम है उसके लिए टिपिकल होगा, क्यों? क्योंकि वहां पीछे की तरफ जाना होगा, उसको देखना होगा या पीछे से आगे की तरफ जाए, दोनों ही तरह उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, ब्रॉड। अगर नॉलेज ब्रॉड नहीं है, उसकी मैथ अच्छी नहीं है, तो यहां पर प्रॉब्लम आएंगी। तो यहाँ सफलता किस पर निर्भर करती है? वैज्ञानिक के ज्ञान पर निर्भर करती है। यहां वंशावली जो विधि है इसकी देन कौन कौन सी है, इसके यहां पर अचीवमेंट क्या है। तो यहां अगर इनके देन की या अचीवमेंट की बात करें, तो यहां पर कौन कौन सी यहां पर नई किस्मों को बनाया गया, तो वो किस्में जैसे गेहूं, यहां पर जिन किस्मों को बना गया वो गेहूं। गेहूं की कौन कौन सी है? NP52 और NP120। गेहूं की जो यहां किस्में बनाई गई हैं वो NP52 और NP120। चावल की जया, पद्मा, चावल की जो बनाई गई थी जया पद्मा। टमाटर, टमाटर की जो यहाँ किस्म बनाई गई है वो है लघु, पूसा लघु, सॉरी पूसा लघु। पूसा लघु। और कपास की जो यहाँ पर किस्म बनाई गई है वो है कपास की किस्म लक्ष्मी। स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं तो कम से कम यहां पर इतना याद रखना कि कौन से मेथड से यहां पर कौन सी नई किस्मों का विकास किया गया है, क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां इन चीजों को बहुत अधिक पूछा जाता है कि यहां पर वंशावली विधि से बनाई गई गेहूं की किस्म कौन सी है, टमाटर की किस्म कौन सी है। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन इन जगहों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बल्क मेथड था, यहाँ जो बल्क मेथड था, इस बल्क मेथड में नेक्स्ट जो सेकंड विधि है वो है प्रपंच विधि। हाँ, इस बल्क मेथड का दूसरा नाम आपको एक और मिलेगा, मास मेथड। मास मेथड इसका दूसरा नाम मिलेगा, मास मेथड। यहां इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बनाया था, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की थी, तो वो थे नेल्सन एहल। वैज्ञानिक जो थे वो थे नेल्सन एहल।
यहाँ पर जो सामान्य तौर पर जो टाइम लगता है, टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ 15 से 16 साल का टाइम लगता है, 15 से 16 साल का टाइम लगता है। डायरेक्ट हम मेथड को देखते हैं, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। यहाँ होता क्या है, सबसे पहले जो प्रथम वर्ष की बात करें हम, प्रथम वर्ष में जनकों का सिलेक्शन करते हैं और जनक कैसे चुनते हैं, जो वहां पॉपुलेशन है प्लांट्स की उसमें से जो बेस्ट है, यहां जो वहां पर बाहरी लक्षणों के आधार पर जो बेस्ट है उनको चुनते हैं। इनको चुनने के बाद में इनके संकरण कराए जाते हैं, इनमें संकरण कराए जाते हैं। और संकरण कैसे कराए जाते हैं, सरल और जटिल दोनों प्रकार के, सरल व जटिल, यहां दोनों प्रकार के संकरण कराए जाते हैं। और दोनों प्रकार के संकरण के बाद में जो सीड प्राप्त होते हैं, इन सीड्स को क्या कर लेंगे, फिर एकत्रित, सीड्स को एक जगह पर एकत्रित करते हैं। पहले प्लांट को चुना, बेस्ट जो प्लांट थे पॉपुलेशन में समष्टि में उनको चुना, चुनने के बाद में उनके सरल और जटिल दोनों प्रकार के संकरण कराए। जब यहां पर बीजों का निर्माण हुआ तो बीजों को यहां पर एक चीज इस विधि में सबसे साथ लेके चलना प्रत्येक पॉइंट में, कि यहां पर जो पौधों की संख्या है वो पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है। जो हमने इससे पहला मेथड पढ़ा था उस मेथड की तुलना में यहाँ पर पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी सीड मिले थे उन प्लांट से सबको एक जगह एकत्रित कर लिया। अब सेकंड ईयर में क्या किया, जो द्वितीय वर्ष था, द्वितीय वर्ष में यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ प्रथम वर्ष के जो F1 पीढ़ी के प्लांट थे, क्योंकि यहाँ पीढ़ी कौन सी मिली हमको, F1, तो यहाँ पर F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट थे इन F1 जनरेशन के बीजों को, और एक प्लांट में बीज लेके चलेंगे, बीजों को पर्याप्त दूरी पर बो दिया, पर्याप्त दूरी पर बोया। और यहां बोने के बाद में जब यहां पर बीज बने, प्लांट बनेगा पहले, तो जब यहां पर बीज बने तो यहां पर अधिक संख्या में, अधिक संख्या में बेस्ट प्लांट को चुना उनके सीड को क्या किया एकत्रित, उनके बीजों को एकत्रित किया। बीजों को एकत्रित कर लिया। अब यहां तीसरे वर्ष से लेकर के 8वें वर्ष तक, यहां पर 30वें वर्ष से लेकर के 8वें वर्ष तक क्या करेंगे, कौन सी आएगी यहां पर F2, पीढ़ी कौन सी आएगी F2, और 8वें वर्ष तक कर रहे हैं तो इसका मतलब पीढ़ी से एक पहली F7, जो इस जनरेशन की पीढ़ी होंगी उनको यही विधि दोहराएंगे। इनको क्या करेंगे, इनके बीजों को पर्याप्त दूरी पर बोएंगे, और जब उनके अधिक, एक चीज हर स्टेप में जोड़ना है कि प्लांट अधिक मात्रा में चूज करने हैं, और प्लांट अधिक मात्रा में चूज करने हैं तो कैसे, बीज भी अधिक मात्रा में होंगे, पर्याप्त दूरी पर बोते हैं और एक साथ बीजों को एकत्रित करते हैं, एक साथ बीजों को एकत्रित करते हैं। यहां कौन सी जनरेशन आ गई हमारे पास में, अब F8, 8वें वर्ष में हमारे पास में कौन सी जनरेशन आ गई F8। अब 9वें वर्ष में क्या करेंगे, जो F8 जनरेशन के पादप हैं, बीज हैं, सॉरी F8 जो जनरेशन के जो बीज हैं,
वही सेम मेथड, पर्याप्त दूरी पर बोते हैं, क्योंकि यहां दूरी को लेकर के चलना है। यहां हर जगह हमको किसका ध्यान रखना है, दूरी का। तो यहां पर एफिड जनरेशन के बीजों को भी हमने क्या किया, पर्याप्त दूरी पर बो दिया। और बोने के बाद में जब यहां पर प्लांट बड़े हुए, तो यहां इनके बाहरी गुणों के आधार पर, या कहें कि पादपों के बाहरी गुणों के आधार पर, अब तक भी यही कर रहे थे हम, गुणों के आधार पर, पादपों का चयन करते हैं। तो यहां से लेकर के जनकों से लेकर के यहां तक यही काम किया है, चयन करते हैं। और चयन करने के बाद में अब यहां पर जो F9 के जो हमको पीने के यहां पर बीज प्राप्त होंगे, ये इन बीजों का क्या करेंगे, अब अलग अलग एकत्रित करेंगे। अब तक तो एक साथ कर रहे थे, अब यहां क्या करेंगे, चयन करते हैं और प्रत्येक प्रत्येक पादप के बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं, पादप के बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। ये हमारे पास में कौन सी आ गई, F9 जनरेशन। दसवें वर्ष क्या करते हैं, पहले भी बताया था हमने, यहां पर जितने भी पादप का बीज एकत्रित किए हैं, प्रत्येक को अलग अलग क्यारी में बो देंगे। मान लिया हमने यहां पर 3000 पादपों के बीजों को एकत्रित किया है, तो यहां पर 3000 जब पादपों के बीज एकत्रित किए हैं, आपके समझाने के लिए है उस चीज को, आप नोट्स में नहीं ढूंढना। 3000 पादपों को सेलेक्ट किया, तो यहां पर क्यारियां भी कितनी बनाएंगे, क्यारियां भी 3000 लेंगे। और एक पादप के बीज एक क्यारी में, दूसरे पादप के बीज दूसरी क्यारी में, तीसरे पादप के बीज तीसरी क्यारी में, बीज प्रत्येक पादप के बीजों को अलग अलग एकत्रित किया है, तो अलग अलग ही इनको एक 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 पादप के बीजों को एक क्यारी में, वही रहता है मिनिमम 30 और अधिकतम यहाँ पर 100 हो सकते हैं, 100 से अधिक यहाँ पर सीड्स को लेके हम नहीं चलते। तो यहाँ प्रत्येक पादप की अलग अलग क्यारी लेकर के उनके बीजों को यहाँ पर बो देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहां जब चयन करते हैं, तो चयन जब पादपों का जब यहां चयन करते हैं, यहां जितने भी रोगग्रस्त पादप थे उनको निकाल देंगे, हल्की किस्म के जो पादप थे उनको निकाल देंगे, जिनकी लंबाई कम है उनको निकाल देंगे, उनको जड़ से हटा देते हैं। जितने भी रोगग्रस्त हल्की किस्म के या लंबाई कम वाले जो पादप हैं, उन सबको यहां से हटा देते हैं, सबको यहाँ रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में जब चयन करते हैं, तो फिर किन चीज का चयन करते हैं, उसके बाद जो चयन करते हैं, यहाँ पर लक्षणों के लिए शुद्ध पादपों का चयन करते हैं, लक्षणों के लिए शुद्ध। पादपों का चयन करते हैं, का चयन करते हैं। और लक्षणों के लिए शुद्ध पादप कौन से होंगे, ये होंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। जैसे अगर कोई पादप लंबा है तो वो कैसा होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि ये भी लंबा होगा लेकिन ये चूज नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, ये। तो यहां लक्षणों के लिए जो पादप शुद्ध हैं, केवल केवल उनका ही चयन करते हैं, दूसरे पादपों का चयन यहां पर हम नहीं करेंगे। तो जो लक्षणों के लिए शुद्ध पादप थे उनका हमने चयन कर लिया यहां पर। अब यहां पर जो सीड प्राप्त हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। एक तो यहां पर क्वालिटी ट्रायल किया है हमने,
क्वालिटी ट्रायल किया है, क्वालिटी का परीक्षण किया है। क्यों? क्योंकि जो हमने यहां पर लिए वो कैसे हैं, केवल और केवल शुद्ध पादप है, यहां पर किसी प्रकार के संकर पादप नहीं है। और इस क्वालिटी ट्रायल के साथ साथ यहां पर हम यील्ड ट्रायल भी करते हैं, यील्ड मतलब पैदावार का परीक्षण भी करते हैं। तो यहां जिन पादपों का हम चूज कर रहे हैं वो पादप कैसे होने चाहिए, अच्छी पैदावार देने वाले। तो यहां पर दोनों टेस्ट होते हैं, क्वालिटी का भी होता है और यील्ड ट्रायल भी होता है, दोनों यहां पर परीक्षण होते हैं, क्वालिटी और यील्ड दोनों के परीक्षण होंगे। तो यहां अब जो बीज निकल करके आए हैं इस पिंडी में, जो बीज आए हैं हमारे पास में, उन बीजों में से क्या कर लेते हैं, कुछ बीज को तो हम यहाँ पर भविष्य के लिए रख लेते हैं, इन फ्यूचर हमको कभी और कोई टेस्ट करना है, क्योंकि हमने कितने वर्ष दे दिए, 10 वर्ष, 10 साल का टाइम हमने यहाँ इस जनरेशन के लिए दिया है, इस चीज को यहां तक शुद्धता के लिए दिया है। अगर लाइफ में हमको जरूरत पड़ी तो कुछ बीजों को तो उसके लिए वहां हम रख लेते हैं, बाकी जो बीज होते हैं यहां, जितने भी बाकी बीज होते हैं 11 से लेकर के 15 वर्ष तक, इन बीजों को विभिन्न जो परीक्षण केंद्र हैं, विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर भेजा जाता है। 11वें वर्ष ही भेज देते हैं परीक्षण, केंद्रों पर इनका परीक्षण किया जाता है, इनका परीक्षण किया जाता है। और जब यहां इनका परीक्षण कंप्लीट हो जाता है तो इनको एट लास्ट 16वें वर्ष इनका गुणवन करवाया जाता है, क्योंकि यहां क्या क्या दे दिया, एक नई किस्म का नाम, यहां पर नई किस्म तैयार हो गई और नई किस्म का नाम दे दिया, यहां नई किस्म का नाम देते हैं। और उसके बाद में 16वें वर्ष गुणन किया जाता है और गुणन कराकर इनको किसानों को वितरित कर दिया जाता है, किसानों को दे देते हैं। ये काम यहां पर किया जाता है। तो यहां पर 16वें वर्ष जाकर के गुणन की प्रक्रिया यहां संपन्न होती है। और उसके बाद में यहां जो टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट कई साल तक लगातार किए जाते हैं, क्योंकि अगर उनके मध्य किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता हुई, कोई भी होमोजाइगोसिटी ना होने पर, या कहें कि हेटरोजाइगोसिटी उपस्थित है, तो यहाँ उन चीजों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो अब तक हमने जो देखा था वो सब क्या हुआ, बेकार हुआ, यहाँ पर उस चीज को छोड़ दिया जाता है। अब इसके गुणों की अगर हम बात करें तो कहाँ इसके गुण क्या है और अवगुण क्या है, पहले गुणों की बात करते हैं। तो यहां जो ये विधि है, ये विधि कैसी है, सरल, कम खर्चीली, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा खर्चा नहीं हो रहा, कम खर्चीली है और सरल है। क्यों? उसकी तुलना में यहां पर हम किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, लगातार क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कराए जा रहे हैं। उसके अलावा यहां फर्स्ट से लेकर के और लास्ट तक, लास्ट जनरेशन तक पादपों में लगातार शुद्धता आती है, पादपों में शुद्धता आती है, क्योंकि हमने 10वीं पीढ़ी पर जाकर होमोजाइगोसिटी को देखा है। तो यहां फर्स्ट से लेकर के लास्ट जनरेशन तक पादपों में शुद्धता आती है। अब इसके अवगुण क्या हैं? अवगुणों की अगर हम बात करें यहां पर स्टूडेंट्स, तो इसके अवगुण क्या हैं? पहले तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लंबी विधि है, समय लेती है। दूसरा, यहां पर संतति की संख्या अत्यधिक होती है, संतति की संख्या, की संख्या अत्यधिक होती है।
और इतनी संख्या में शुद्धता को ध्यान रखना कैसा होगा? मुश्किल, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने भी प्लांट हमने यहाँ पर चूज किए वो सभी कैसे हो, बिल्कुल शुद्ध। तो यहाँ शुद्धता को बहुत बड़ा काम हो जाता है उसको ध्यान रखना। अब इसके हम अचीवमेंट देखें कि इसने अब तक दिया क्या है। तो यहां किसी भी नई किस्म का निर्माण अब तक नहीं किया गया। बोलो वैसे पढ़ रहे हैं, वैसे ही नहीं पढ़ रहे इसको। यहां जब भी किसी फसल के फीनोटाइप में हमको सुधार करना होता है, फीनोटाइप में मतलब जीनों में शुद्धता लानी होती है, तो यहां इस विधि का हम यूज करते हैं। फीनोटाइप में सुधार के लिए यूज किया जाता है, सुधार के लिए प्रयुक्त करते हैं। फसलों के जीनोटाइप को सुधारने के लिए यहां पर इस विधि का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।